हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रॉक्स सूट की, क्योंकि मैं कपड़ा लाई हुई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ कि फ्रॉक सूट की कटिंग कैसे करते हैं। जिनको नहीं आता है तो वो भी सीख लेंगे। सो मैं करने वाली हूँ कटिंग, तो आपको तो यहाँ पे मैंने चोली बनाई हुई है जिसमें मैंने फोर फोल्ड किया है कपड़े का। जितना भी आपका साइज होता है उसका आपको चौथाई हिस्सा लेना होता है। तो ये मैंने गले का निशान लगाया, सबसे पहले 3 इंच का मैंने गला लिया हुआ है साइज, फिर उसे गोलाई दी हुई है और मुड्डा लिया हुआ है मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का और उसी की गोलाई दी हुई है। और लेंथ ली है मैंने चोली की अपनी 14 इंच है लेंथ। और जिस फिर आपको ये मैंने चेस्ट का लिया है अपना चौथाई हिस्सा और वेस्ट ली हुई है अपनी चौथाई हिस्सा। और इस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है फिर प्लेट रखने के लिए यहाँ पे जितना भी आपका बीच का पार्ट आपको डिवाइड कर लेना है उसी के 4 इंच पे मैंने निशान लगाया हुआ है। और ये मैंने गला लिया हुआ है सो मैं गले को भी काटूँगी अब यहाँ पर। और सूट मैंने चोली काट ली है वहाँ से। और ये मेरा पीछे का पार्ट है गला, आगे का गला मैंने थोड़ा बड़ा रखा हुआ है और पीछे का गला थोड़ा छोटा लिया हुआ है। सो ये है और इसे मैंने अब कल आगे का गला भी काट दिया है और पीछे का गला भी। और ये है मेरा पार्ट की लंबाई जितना मैंने अपना सूट, आपको जितना आपको लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप लेंथ ले सकते हैं अपनी। तो यहाँ पर मैंने लेंथ ली है अपनी 31 चोली को काट के। और ये ली हुई है मैंने स्लीव की भी मैंने नाप लिया हुआ है। ये मैंने 9.5 इंच नाप लिया हुआ है 3 इंच आगे से, फिर उसका मैंने मुड्डा डाउन किया हुआ है 3 इंच का। और ये यहाँ पे मैंने आगे से लिया हुआ है 5 इंच अपने मोहरी। और इसे मैं अब कट कर लूँगी और ये मैंने कट कर लिया है। और अब मैं आप अपना बाजू का आगे की गोलाई दूँगी। ये मैंने निशान लगाया हुआ है बाजू में और मैं इसे अब कट कर लूँगी बाजू को भी। अभी मैं सूट काट के गई, सूट काट तो मुझे पता चला रेली नहीं है, मेरे पास धागा ही नहीं था। तो उसके बाद मैं रेल लेने के लिए गई धागा, 4-5 दुकान में पूछा मैंने, उस कलर का रेली नहीं था और ही थे वहाँ पीले सफ़ेद काले नीले, नीला नहीं था। और बाहर इतनी तेज धूप हो रही है कि पूछो मत, इतनी धूप लग गई मेरे को और ना धागा मिला ना इलास्टिक मिला प्लाजो के लिए। और गला भी सूख गया, मैंने पानी भी पी लिया, आधी बोतल पानी पी ली। और ना धागा मिला ना इलास्टिक मिला। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, तब तक उसकी पाइपिंग के लिए मैंने काटा हुआ है पूरे पट्टी, उसको ज्वाइन कर लेती हूँ दूसरे धागे से और तब तक दूसरे धागे से सिल लेती हूँ जितना हो सके अंदर अंदर का, फिर देखती हूँ आगे। तो पहले सिल लेती हूँ, 1.5 इंच की ये पूरे पट्टी काटी हुई है, इनको तब तक ज्वाइन कर लेती हूँ गले के लिए, क्योंकि बुकरम है नहीं तो रो पट्टी का ही मैं गले का बनाती हूँ। सो इनको ज्वाइन करती हूँ तब तक। और नीचे का धागा भी ख़त्म है तो इसमें अब मैं ब्लैक कलर का धागा भर रही हूँ, ब्लैक से एक सिल लेती हूँ तब तक। और इसका ये भी ख़राब हो रखा है धागा भरने वाला, सो मैं हाथ से ही भर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों गले अपने पूरे पट्टी दोनों में कर दिए मैंने, अभी इसमें तुरपन करूँगी तो ये सेट हो जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर ऐसी तुरपन करके ऐसी सिलाई लगाई हुई है, ये ब्लैक कलर के धागे से ही है क्योंकि धागा नहीं है मेरे पास अभी, तो इसे बाद में मैं निकाल दूँगी और इसे तुरपन कर दूँगी तो ये सेट हो जाएगा। और इसमें बाद में ऊपर से प्रेस कर देंगे तो सेट हो जाएगा ये। और अभी ऐसा लग रहा है तो बाद में दिखेगा भी नहीं ऐसे। और ये जो मेरा पार्ट है आगे और पीछे का, ये मैंने इसमें सिलाई रख के इसमें ऐसे रफल से बना दिए हैं ये दोनों पार्टों में। सो अब मैं इसे जॉइंट कर लेती हूँ आगे और पीछे दोनों ये पार्टों में। और इसमें मैं जॉइंट कर लूँगी इसे, ये मेरे पार्ट है आगे और पीछे का ऐसे। तो और इसमें मैंने जो और दोनों पार्टों में मैंने 4-4 इंच के आधे आधे इंच की ये प्लेट बनाई हुई हैं तो आगे और पीछे दोनों में ही। ये भी मैंने सिल दिए हैं दोनों,
जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी पे मैं ये रफ़ा जो मैंने कर रखा है तो इसे मैं अटैच कर दूंगी दोनों पे। मैंने ये रेडी कर लिया है, इस पर अटैच कर लिया है मैंने यहाँ पे चोली पे इसको नीचे से इसका पार्ट, और यहाँ पे ये गला है इसका, और मैंने स्लीव भी अटैच कर ली है इसकी। और ये देख सकते हैं आप, ये स्लीव भी अटैच कर ली है मैंने, और मैं इनमें आप सिलाई लगा दूंगी यहाँ तक, और मैं इसमें फिटिंग का नाप लेके इसमें अब सिलाई अटैच सिलाई लगा दूंगी एक। तो फाइनली मैंने ये अपना सू सिल लिया है, ये आप देख सकते हैं ये इसकी स्लीव है, और ये मैंने सिलाई कर लिया है। वैसे अभी ये मैंने एक ही सिलाई दी हुई है इसमें कच्ची, अभी पूरा पक्का सिलाई नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरे पास वो धागा है नहीं, वो रील जो इसके ब्लू कलर की है, तो ब्लू कलर की रील लाऊंगी तो इसमें गला में तुरपन करूंगी और इसका चाक वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें तुरपन नहीं करूंगी इसका, और इसमें सिर्फ मैं सिंपली मशीन ही रखूंगी। सो ये बनके तैयार हो गया, अब हो गई है शाम और मैं आई हुई हूँ छत में, 6:15 हो रहा है और धूप देखो कितनी तेज धूप है अभी भी गर्मी में। और ये देखिए पौधों का टमाटर, इनका तो बुरा हाल हुआ पड़ा है, पूरे सूख गए हैं पेड़ पौधे भी, और धूप भी इतनी तेज लग रही है, गर्मी भी हो रही है। बना लूंगी और उसके बाद मैंने आइसक्रीम, मैंने सोचा आइसक्रीम बनाती हूँ, आइसक्रीम मैंने बनाने के लिए आइसक्रीम वगैरह हो किया, लेकिन उसमें मेरा दूध हो गया कम आइसक्रीम में, और वो मैंने कस्टर्ड पाउडर पाउडर कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था जिसकी वजह से दूध कम हो गया और पाउडर ज़्यादा, और वो एकदम थिक थिक हो गया, बहुत ही मोटा मोटा हो गया, नेक्स्ट टाइम से ध्यान दूंगी। और एक तो मेरे पास वो व्हिप करने की मशीन भी नहीं थी जिससे क्रीम वो करते हैं, मैंने ऐसे ही चम्मच से और हाथ से ही किया तो उसकी वजह से उतना क्रीमी हो नहीं पाया। सो बन गया उसका पोपट, मैं आपको दिखाऊंगी, पहले छत में घूम लेती हूँ उसके बाद नीचे जाएंगे, सोच रहे थे पार्क जाएंगे लेकिन देखते हैं पार्क जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे हम शाम को जाते हैं कभी कभी, हम खाना खाने के बाद भी जाते हैं घूमने के लिए, कभी हम सुबह शाम को ही चले जाते हैं 7 बजे 8 बजे आ जाते हैं, फिर उसके बाद खाना वाना बनाते हैं। सो अभी देखते हैं जाते हैं नहीं जाते हैं, तो तब तक हम छत में ही घूम लेते हैं ऐसी। और काशवी भी नीचे है, आंटी के साथ गई है नीचे वो, तो लेते हैं आपसे। ये मेरी आइसक्रीम जो मैंने बनाई थी, थोड़ा इसमें क्रीम और थोड़ा दूध कम हो गया था तो थोड़ा ये मोटा हो गया पहले ही, लेकिन टेस्ट हो रहा है, खाने में टेस्टी हो रहा है। और ये मैं इसमें ऊपर से बादाम मैंने कस दिया था, तो ये बादाम है और ये आइसक्रीम मैंने अभी टेस्ट किया है हमने, सो अच्छा हो रहा है। अब हो गया है सूट, तो मैंने सिल लिया है, पूरा सिल चुका है वैसे, बस एक तुरपन और एक थोड़ा सा आधे घंटे का काम इसमें और है सिलने का, उसके बाद तुरपन का थोड़ा सा ही है गले गले में, और तो मैं बाकी मशीन ही रखूंगी उसमें। सो ये मेरा सूट सिल चुका है, अब मैंने कुछ और दिन भी उसके शाम हो चुकी है एक्चुअली, तब से मैंने अब मैं थोड़ा केला वगैरह खा लेती हूँ, अंगूर भी मैंने अंगूर भी यहीं पे लाई हुई हूँ, सब अंगूर भी खा रही हूँ केले यहीं पे। और ये मेरी काशवी तब से मेरे को देख रही है, और ये सो के 2 बार सो के उठ भी चुकी है, और अब ये फिर इसका वो हो रहा है, सोने का मन हो रहा है, क्या हो रहा है नींद इसकी चिड़िया की नींद है, जैसे ही थोड़ा सा आवाज करो इसकी नींद खुल जाती है, तो इसी वजह से ये 2 बार सो चुकी है, 2 बार उठ चुकी है। जब मैं ये सूट बाद में सिल के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपको दिखा दूंगी बाद में पहन के, तो अभी तो मैं फिलहाल करती हूँ वीडियो को एंड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्यार प्यार से कमेंट कीजिएगा। ओके मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, काशी बाय, से बाय, से बाय एवरीवन, काशी हाँ जोगी तो बस चलो के बाय, सो बाय।